अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इरफान मलगानी व्लॉग्स। तो आज ईद का दूसरा दिन है और कल बड़ी जबरदस्त बारिश हुई और शाम तक बारिश रही, तो मैंने कुर्बानी के आगे वीडियो बना नहीं सका। तो आज हम आए हुए हैं फैसल अबड़ो के पास। फैसल भाई, क्या हाल है? कैसी गुजर गई ईद फैसल भाई? यार बस घर में पड़े हुए थे, अभी आप आए, आपके साथ निकले हैं। और मैं अभी फैसल से मिला हूँ, सारा दिन मैं कल घर पे ही था कुर्बानी के बाद, और अब हम बाहर निकले हुए हैं और मैं बाइक चला रहा हूँ। फैसल आपसे हाल-हाल करते हैं। फैसल भाई, अपनी ईद की कारगुजारी सुनाओ। तो कल दरअसल ऐसा हुआ, मैं इरफान भाई से हाल-हाल किया था शाम के, तो इरफान भाई कहते हैं कि यार आज मैं नहीं आ सकता, मतलब कुछ काम वगैरह है, मौसम भी खराब था, बारिश भी ज्यादा हो रही थी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, फिर कल मिल लेंगे इंशाल्लाह। अभी इरफान भाई आए, हम लोग मिलते हैं, देखते हैं, जहाँ गए फिर आपको हाल हाल देते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी तो बस ऐसे ही निकले हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं प्रिंस रोड पर, तो ये बैक पे आप देख रहे हैं सारा प्रिंस रोड है, सारी दुकानें बंद हैं। प्रिंस रोड जूतों में सबसे ज्यादा मशहूर है कोयचा में, बलोची चवट पिशावरी जूते प्रिंस रोड पर सबसे ज्यादा मिलते हैं। कोयचा की मेन शाहरा और सबसे ज्यादा रश भी यहीं पर होता है ईद के दिन। जूते वगैरह यहाँ पर जबरदस्त मिलते हैं बलोची चवट। तो अभी हम आए हुए हैं ग्लोबल पे सोडा पीने। ये फैसल भाई है, फैसल पानी पी रहे हैं। आज थोड़ी गर्मी है, कल बारिश हुई लेकिन गर्मी अभी तक है, हवा नहीं चल रही ना। ग्लोबल सेंटर कोयचा। अब एक सवाल का जवाब दो, इधर हो, तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने इसका जवाब दिया ना तो सोडा मैं पिलाऊंगा, वरना तुम पिलाना। एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, वो शाम को उसका मालिक आया, तो उसकी नाइट ड्यूटी थी, शाम को मालिक दफ्तर से जब आया तो उसने जो है ना ये गया, उसको थोड़ा चापलूसी मापलूसी करने लगे सिक्योरिटी गार्ड। व्यूअर्स, अगर आप कोई जवाब आए तो मुझे इसका देना। तो उसने जो है ना मालिक की गाड़ी को साफ करने लगे, तो उसने कहा मालिक रात को मैंने ख्वाब देखा तो आपका इस तरह की दो गाड़ियां हो गई। मालिक ने बोला अच्छा, बोलते हैं हाँ। मालिक ने उसको नौकरी से निकाल दिया जी। मालिक ने उसको नौकरी से क्यों निकाला? वजह, बस इतना वीडियो लंबी हो जाएगी, बताओ। मालिक के पास पहले से चार गाड़ियां थी। मालिक के पास पहले से चार गाड़ियां थी, असल में नाइट ड्यूटी कर रहा था और उसने रात को ख्वाब देखा था। मालिक ने उसने रात को ख्वाब देखा, ड्यूटी किस टाइम कर रहे हो? बहुत दूर, बहुत दूर, सही, घना बार बहुत दूर हूँ। हम लोग तो सर के बोलते हैं बहु पर यहाँ, बहुत दूर, घना बार, घना बार क्या मतलब? ज्यादा दूर, बहुत दूर हूँ ना, वही बात है। तो आज यहाँ पर रश नहीं है, वरना यहाँ पर काफी रश होता है। और ये मैं आपको दिखाऊंगी वर्ष, ये हम ऊपर वाले पोर्शन में बैठे हुए हैं, नीचे ये इसकी सीढ़ियां साइड से, और हम ऊपर बैठे हैं। यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट जमा हो जाते हैं, और हम जैसे मारने की सबसे अच्छी जगह क्या करने की? बंक मारने, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से बंक मारने का, भागना मतलब हम कभी भागे नहीं है, ये बंक मारने की जगह, ये बंक मारने की जगह स्टूडेंट के लिए। या अब हम निकले हुए हैं, बाइक स्टार्ट कर जाएंगे वहाँ जूस से। हाँ, अब हम ये पीछे हमारे पुलिस लाइन है कोयचा की, मोटरसाइकिल लाख है यहाँ पे, आजकल मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, तो इस वजह से जब नजदीक खड़े हो ना लाख कर ले, अच्छी बात है। आपसे कौन चोरी करेगा यानी कुछ पता नहीं लगता है। ये भी है,
चोर से चोरी कब हुई है? अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये भी बस, तो ये जो जमा हो चुका है गोश्त और अब ये बिक रहा है यहाँ पे, सारे दिन जमा करते इस टाइम बेचते हैं। ये मवाली है और ये अभी बना रहे हैं फिर बेचने के लिए। सारा देख रहे हैं आप, ये मिजान चौक पे लगा हुआ है, वापिस बेच रहे हैं जमा कर करके। कढ़ाई का माल 100 रुपए। लियाकत बाजार कोयटा, और यहाँ से मुड़ते मुड़ रहे हैं। ओहो, हम यहाँ पे आए थे दूध की बोतलें पीने, लेकिन वो बंद है, यू टर्न कर रहे हैं। ये शॉप है दूध की ठंडी बोतलें, और ये रास्ता निकलता है अक्सा मस्जिद, दाऊद शॉपिंग सेंटर, हारून शॉपिंग सेंटर, नसीब ड्राई फ्रूट, मतलब औरतों की घूमने की जगह ये है। यहाँ यहाँ पर सारे शॉपिंग मॉल यहीं पे हैं। अभी हवा चल रही है यार, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, इसी तरह हवा चले कोयटा जो है जन्नत से कम नहीं है। ख्याल करना, बैठोगे फैजल? साइंस कॉलेज कोयटा, इधर तो ये रेलवे स्टेशन का, यहाँ पे पुरानी ट्रेनें जो है ना खड़ी होती है, पड़ी होती है, खड़ी नहीं होती, पड़ी होती है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पिक्चर क्लिक करते हैं, अच्छी पिक्चर आएगी, बैकग्राउंड अच्छा आएगा। ये आप यहाँ देखे बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त आता है, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। कैसी पिक्चर है? तो यहाँ हमने फोटोग्राफी की, ये हम नीचे से आए, अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो हमारे चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ। फैसल को मैं घर छोड़ता हूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।